संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ समय से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, उसका एक कारण था सर्वाइकल पेन होने के कारण। सर्वाइकल हो गया था, गर्दन में बड़ी दिक्कत आई थी। अब थोड़ा सा स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, तो आज से फिर कोशिश करूँगा हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो डालने का। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे, महाभाष। महाभाष में पशपशहाने, ये बहुत उलझा हुआ सा लगता है, कोशिश करेंगे हम समझाने का प्रयास करेंगे अपने शब्दों में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद समझ में कुछ लोगों के नहीं आती हैं, तो एक बार कमेंट अवश्य किया करें, जिससे कि पता चल जाए कि समझ में नहीं आ रही है, तो उसको हम कोशिश करें कि उसी जिस क्षेत्र में नहीं समझ में आ रहा है उसी क्षेत्र को दोबारा से समझाने का प्रयास करें। हमारा उद्देश्य यहाँ कुछ और नहीं है, केवल सरलतम विधि से पढ़ाने का ही है। हो सकता है कभी कभी कुछ वीडियो ऐसी हो जाती हैं, जैसे एक कमेंट आया था उसको मैंने फिर वीडियो को हटा दिया है, भाषा का उसमें ग्रीन नियम समझाया था हमने, तो उसमें एक ही कमेंट तीन बार किए गए थे और तीसरा जो कमेंट था बड़ा भद्दा सा लगा। कोशिश हम करते हैं कि उसको थोड़ा सा सही से समझाने का प्रयास करें और उसको हम दोबारा बनाएंगे, ये कोशिश करेंगे और अच्छे से समझा सकें उसको। आज हम पशपशहाने देखेंगे, ये महाभाष्य है, इसको और डाल देते हैं। महावाष्यम, ठीक है, इसका ही ये हिस्सा है पशपशहाने। दरअसल महाभाष्य को 84 आहनिकों में बांटा गया था। अब इसमें थोड़ा सा अगर इसका खंड करें, पशपश आहनिक, ये दो हो जाते हैं। पशपश का मतलब होता है भूमिका, ठीक है, या एक तरह से प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पशपश रखा गया। क्यों रखा गया वो अलग विषय है, इसका अर्थ ये होता है भूमिका। आहनिक से क्या तात्पर्य है इसको थोड़ा सा जानते चलें, क्योंकि महाभाष्य जो है वो 84 आहनिकों में विभक्त है, अर्थात संपूर्ण महाभाष्य को मात्र 84 आहनिकों में ही बांट दिया गया। अब जैसे पाठ के नाम होते हैं, किसी में निश्वास होता है, किसी में पाठ होता है, किसी में अभ्यास होता है, ऐसे ही इसमें आहनिक शब्द का प्रयोग किया गया है। आहनिक जो शब्द है वो अहन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है दिन, और अहन में ठक प्रत्यय लगने से उसका इक रह जाता है ठक का। जब प्रत्यय का अध्ययन करेंगे तो अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, और तो आदि वृद्धि हो जाती है, तो आहनिक इस तरह से ये बन जाता है। अब दिन से तो आहनिक का सीधा तात्पर्य होता है एक दिन में पढ़ाया जाने वाला या एक दिन में किया जाने वाला। आहनिक कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ भाषा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सीधा तात्पर्य एक दिन में पढ़ाया जाने वाला, अर्थात 84 आहनिक में विभक्त है, तो 84 ही दिन में ये संपूर्ण महावास समाप्त हो जाता है, अर्थात उसका ज्ञान हो जाता है। परंतु ऐसा लगता नहीं है, ऐसा प्रतीत नहीं होता, उसको महाभाष्य को अध्ययन करने में समय बहुत लगता है। आहन जो है दिन, यहां दिन शब्द जो लगाया गया है, यह दिन और रात इन दोनों शब्दों को मिलाकर के अहन शब्द बनता है, अर्थात इस दिन में दिन और रात दोनों ले लिए जाते हैं। तो दिन और रात अगर ले लिए जाएं तो हम देखते हैं कि हमारे पास 24 घंटे हो जाते हैं। अब एक आहनिक 24 घंटे तक पढ़ाया गया कैसे संभव है, तो उसके लिए ये व्यवस्था रही होगी आहनिकों को 24 घंटे, या तो पहले जो व्यवस्था रही होगी पहले इसका अध्ययन पूरा कर लिया जाता होगा व्याकरण का, तब कोई और विषय पढ़ा जाता होगा। जैसे अष्टाध्याय को अगर कंठस्थ नहीं किया जाता है तब तक अन्य गुरुकुलों में, जैसे रामदेव जी हैं उन्होंने वैदिक गुरुकुल खोल रखा है और बड़ा अच्छा है उनका अध्ययन अध्यापन कार्य, वैदिक गुरुकुल के नाम से यूट्यूब चैनल भी है
और जो अच्छे ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, बड़ा अच्छे से अध्ययन करा रहे हैं वहाँ, तो मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि उसको जाकर के अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हमारा उद्देश्य सिर्फ ज्ञान अर्जित करना है, वो किसी के माध्यम से हो, ये जरूरी नहीं है कि किसी एक के ही माध्यम से हो। तो वैदिक गुरुकुल में जो अध्ययन करा रहे हैं, अध्यापन करा रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही विस्तृत व्याख्या के साथ अध्ययन कराया जा रहा है वहाँ। वहाँ विद्वानों की एक श्रेणी मिल जाएगी, तो वहाँ अष्टाध्याय को पहले कंठस्थ कराया जाता है, तब आगे अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ 24 आहनिक हैं, तो कैसे उनको आहनिकों में उन्होंने बांटा होगा, कैसे किया होगा? हो सकता है एक घंटे करके 24 घंटे पढ़ा दिए गए एक विषय को, एक आहनिक को, उसको मिला करके एक आहनिक बना दिया गया हो। खैर, जो भी विषय रहा हो, मैं भूमिका को जब अवश्य पढ़ाने का प्रयास करता हूँ जिससे कि मस्तिष्क तैयार हो सके। कुछ मित्र हैं, उनको हमारी भूमिकाएं शायद उनको पसंद नहीं आती हैं, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ विषयगत ही पढ़ाने का नहीं है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। इस YouTube चैनल का माध्यम विषय को टारगेट करने का नहीं है, ये हो सकता है कि उसमें विषय आ जाए, जैसे टेट उद्देश्य नहीं है कि टेट को पढ़ाने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर हैं। हो सकता है कि टेट में जो विषय आता हो, हम अध्ययन करा रहे हैं, उसमें से आपको कुछ लाभ मिल जाए। TGT है, PGT है, नेट है, ये सभी विषयों को विशेष रूप से पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। मैं आज अपने इस चैनल का उद्देश्य एक बार फिर आपके सामने साफ करने का चाह रहा हूँ। सिर्फ इसका उद्देश्य है कि किसी भी विषय में जो उलझापन है, उसको सरलतम विधि से समझाने का प्रयास करना। और वो विषय यदि आपके किसी भी क्षेत्र में आता है, TGT में आता है, PGT में आता है, नेट में आता है, या टेट में आता है, अन्य किसी राज्यों की परीक्षाओं में संस्कृत से संबंधित आता है, तो ये आपको लाभकारी सिद्ध हो जाए, तो ये बहुत ही उपयोगी होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि शुरू से लेकर के चलें। अर्थ संग्रह में भी ऐसे ही समझाने का प्रयास किया था, और अर्थ संग्रह में मैंने बताया था दर्शनों की पूरी डिटेल में कि नास्तिक कौन है, आस्तिक कौन से दर्शन है, और उसके बाद ईश्वरवादी अनिश्वरवादी, आस्तिक और नास्तिक से हटकर के भी ईश्वरवादी अनिश्वरवादी होते हैं, और उनसे हटके भी ये व्यवस्थाएं दी गई थी। फिर मैंने एक व्यवस्था दी थी सारे दर्शनों को लेकर के, उनके वाद से लेकर के कौन रचयिता है, कौन सी पुस्तक है, कौन से क्या है। तो कुछ मित्र हैं हमारे, उनको शायद समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा कि आप विषय से हटकर के पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं एक बार फिर उनको इस यूट्यूब के माध्यम से बताना चाहूँगा, मेरा विषय विषय को टारगेट करना नहीं है कि नहीं मुझे सिर्फ यही पढ़ाना है। मेरा विषय बहुत विस्तृत है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ों को लेकर चलूँ। आपको यदि अच्छा लगता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो और भी बहुत सारे अध्ययन कर रहे हैं, किसी से भी आप अध्ययन कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, यूट्यूब में कभी नहीं। इसलिए मैंने ये भी कहना छोड़ दिया है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता। वो शुरू शुरू का एक बहाव था जिसमें बह गया था मैं, दिमाग में कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब इंसान ही हैं, बह जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपके लिए कभी टेट TGT PGT शायद इसके लिए कभी ना कर सकूँ, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मैं जो भी विषय लूँगा उसको बड़े ही डिटेल में समझाने का प्रयास करूँगा, सरलतम विधि से कोशिश करूँगा। नहीं समझ आता तो एक बार कमेंट कर सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया, तो मैं इसको दोबारा बनाऊँगा। मेरा समय कोई नहीं जा रहा, मुझे अब किसी क्षेत्र में जाना नहीं है, मेरा जो होना था हो गया, मुझे सिर्फ जो नहीं समझ आ रहा उसको मैं दोबारा से समझाने का प्रयास करूँगा। तो आहनिक है, अब इसमें जो व्यवस्था दी है, सबसे पहले हमने भाष्यकार जो दिए हैं, जो पहले वक्ता रहे होंगे, फिर मैं यही बोलता हूँ, तो जो पहली बार जो भाष्य का ज्ञान दिया होगा, मैं तो सीधे पतंजलि को ही लेता हूँ, पतंजलि जी जो हैं उन्होंने सीधे अपने शिष्यों को समझाया होगा। प्रश्न उत्तर के माध्यम से प्रथम आहनिक शुरू होता है और उसी के माध्यम से हम आगे चलेंगे। तो इसमें जो प्रतिज्ञा वाक्य के नाम से जाना जाता है, इसको पहला जो वाक्य लिया है, अथ शब्दानुशासनम, ठीक है, अथ शब्दानुशासनम, यहां से पस्पसाहन एक सबसे पहले शुरू होता है, इसी का विस्तृत पूरा चला गया है, और मैं कोशिश करूंगा आपको ये बड़े ही सरलतम विधि से समझ में आ जाए। तो यहां पर अथ जो शब्द है, जैसे अर्थ संग्रह में हमने अथ की परिभाषा के अथ के रूप में जाना था, वहां व्यवस्था दूसरी थी। दर्शन जो होता है देखने से संबंधित होता है, व्याकरण देखने से संबंधित नहीं होता, वो पद को लेकर के, प्रत्ययों को लेकर के उनकी व्याख्याएं करता है, उनका अर्थ बहुत ही सटीक और बिल्कुल सही होता है, उसमें कुछ भी इधर उधर से लगा नहीं सकते, लेकिन दर्शन में हम कुछ भी जोड़ सकते हैं उसमें।
तो यहाँ अत शब्द की जो परिभाषा दी है या बात करिए, अत इति अयम शब्दः अधिकारार्थ प्रयोज्यते, सीधा इसमें बोला गया है। मैं सिर्फ बोलूंगा, कुछ कठिन आएंगी चीजें तो उनको हम यहां दर्शाने का प्रयास करेंगे। तो अत जो शब्द प्रयोग किया गया है वो अधिकार के लिए प्रयोग किया गया है, अधिकारार्थ प्रयोज्यते अधिकार के लिए प्रयोग। अब अधिकारार्थ प्रयोज्यते यानी कि अत अधिकार में प्रयोग किया गया है। दूसरा बात कर रहे हैं शब्दानुशासनम, शब्दानाम शब्दानुशासनम नाम, इस तरह से इसमें बोला गया है, शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, अर्थात शब्दानुशासनम शास्त्र को अधिकृत करके जानना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर केवल यही व्यवस्था है। अब यहां पर बात दूसरी शुरू होती है, जो शिष्य हैं वो कहते हैं कि आपने शब्दानुशासनम शुरू कर दिया, यहां से अधिकार शुरू हो गया, शब्दानुशासनम यानी शब्दानुशासन शुरू कर दिया गया है, शब्दों का अनुशासन। शब्द तो थे लेकिन उनका अनुशासन करना, जैसे कहते हैं अनुशासन में रहिए, तो सभी चीज होती हैं। जब हम किसी कक्षा में जाते हैं तो बच्चों से कहते हैं कि अनुशासन सीखिए, अनुशासन में रहिए, तो एक व्यवस्था होती है। तो यहां पर शब्दों की एक व्यवस्था दी जा रही है, उसका अधिकार शुरू हो जाता है यहां से। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं केशाम शब्दानाम, बात ठीक है आपकी, आप अनुशासन दे रहे हैं शब्दों का, शब्दों की व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन कैसे शब्दों की व्यवस्था दे रहे हैं, किन शब्दों की व्यवस्था दे रहे हैं, केशाम शब्दानाम, ये सीधा प्रयोग किया गया है। तो जो वैयाकरण है वो कहते हैं लौकिकानाम वैदिकानाम च, अर्थात लौकिक और वैदिक शब्दों की थोड़ा सा यहां जानते चलें, लौकिक वैदिक, ये दो शब्दों की चर्चा की है। हमें याद रखना चाहिए लोक शब्द से लौकिक बना है, जो हमारी इंद्रियों से महसूस हो सकता है हम उसको लोक कहते हैं, संसार कह सकते हैं इसको, अलौकिक अतीन्द्रियां यानी इंद्रिय से जो परे हो जाता है वो अलौकिक हो जाता है। लेकिन यहां वैदिक शब्द के लिए अलग से प्रयोग किया गया है, जबकि हम जानते हैं कि वेद भी लोक में ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसको हम पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, उसको उसकी तरह हम जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं, फिर भी यहां पर वैदिक शब्द अलग से प्रयोग किया गया है। हाथ लागे होता तो ये लौकिक ही है, इतना याद रखना है हमें। वैदिक शब्द अलग से है क्योंकि वहां संस्कृत दूसरी थी, यहां संस्कृत को और थोड़ा सा अलग से व्यवस्था दी गई है। तो प्रयोग किया गया है लौकिका नाम वैदिका नाम च, ठीक है। आगे प्रश्न किया उत्तर दिया जाता है लौकिका तावत, यानी लौकिक में कौन कौन से हैं, यथा गौ अश्व पुरुष हस्ती शकुनि ब्राह्मण इति, ये जो शब्द हैं गौ को याद रखना हमने, ठीक है, गौ अश्व अर्थात गाय घोड़ा हाथी माणवक ब्राह्मण, जितने भी जो शब्द हैं वो लौकिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब हमें समझ में आ जाएगा, क्या है कि हमें दिमाग में जब तक चीजें नहीं बैठ पाती हैं, व्याकरण इसीलिए पढ़ना चाहिए, व्याकरण के जब प्रयोजन आएंगे तब पता करेंगे, क्योंकि 5 प्रयोजन हैं, मुख्य प्रयोजन इसी में है। बड़ा ही अच्छा है, हमने जो 14 सूत्रों का अध्ययन किया है, माहेश्वर सूत्रों का, प्रत्याहार जिनसे बनते हैं, वो क्यों अध्ययन करना जरूरी है, वो उसका भी इसमें ही प्रयोग किया गया है। तो हम इसमें बड़े ही अच्छे से एक एक शब्द का धीरे 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 अध्ययन करते चले जाएंगे। तो गौ शब्द है ये लौकिक शब्द के अंतर्गत आता है, गाय है घोड़ा है बैल है हाथी है, दुनिया में जितने भी हम शब्द देखते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। वैदिक यथा, वैदिक में बोला गया है, इसमें सीधे मंत्रों को ही सीधे प्रयोग किया गया है, ओम शमनो देवी अविष्टये अग्निम नीले पुरोहितम अग्निम यावीतये, तो इस तरह से यहां मंत्रों को, स्तुति परक जो मंत्र हैं उनको यहां वैदिक शब्दों के अंतर्गत लिया गया है। तो यहां पर जब प्रश्नकर्ता का जो दिमाग है वो थोड़ा सा और आगे की ओर सोचता है, वो कहता है ठीक है
आपने वैदिक शब्दों के बारे में चर्चा कर ली, लौकिक विवाद में बता दिया कि ये लौकिक शब्द ये हैं और वैदिक ये हैं, तो हमने एक शब्द को पकड़ लिया, क्योंकि हम शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने गौ शब्द को पकड़ लिया और पूछा गौ इति अत्र का शब्द है, यानी गाय शब्द है, गाय है, यहां पर शब्द क्या है। तो आगे बोला है ना किम किम यत तत्र तत् सासना लांगुल ककुद खुर विषाण अर्थ रूपम सह शब्द। थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं ना, सासना लांगुल ककुद खुर विषाणी अर्थ रूपम सह शब्द, अर्थात सासना किसे कहते हैं इसे थोड़ा सा जानते चलेंगे। सासना से तात्पर्य होता है जब जो गाय होती है, गाय के जो गले पे खाल लटकी रहती है, जो मुंह होता है मुंह के नीचे गला, गले पे जो खाल लट रहती है उसको गलकंबल, ठीक है, इसको गलकंबल बोला जाता है। लांगुल हम जानते ही हैं पूंछ होती है, सासना लांगुल ककुद, ककुद जो होता है वो मांस का पिंड सा होता है जो कमर पे पीछे लगा रहता है ऊंचा सा उठा हुआ, उसको ककुद कहते हैं। खुर हम सब जानते ही हैं, ठीक है, विषाण यानी सींग, जो सींग होते हैं। तो उन्होंने बोला है सासना लांगुल ककुद खुर विषाणी अर्थ रूपम सह शब्दा, अर्थात गलकंबल पूंछ और ककुद खुर और सींगों से युक्त जो गौ रूपी मांसपिंड है, गौ है, क्या वह शब्द है, इन्होंने पूछा है। तो वैयाकरण कहते हैं ना इतिया, वैयाकरण नहीं ऐसा कहते हैं। तो फिर इसमें उत्तर दिया है द्रव्यम नाम तत्, ये सब क्या है, द्रव्यम यानी द्रव्य है, ये द्रव्य के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आप कारक प्रकरण में जाएंगे उसमें भी चर्चा की है और आने वाले समय भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे जब हम उसका अध्ययन करेंगे आगे व्याकरण में। तो उसमें बोला गया है जिसमें संख्या हो, वचन हो, लिंग हो, और भी दो एक शर्तें हैं, ऐसे प्रयोग जो की जाती हैं उनको द्रव्य बोला जाता है। तो सासना लांगुल ककुद खुर विषाणी ये सब द्रव्य हैं, अर्थात इनको हम आंखों से देख सकते हैं तो ये शब्द नहीं हो सकते। शब्द को हम जानते भी हैं, कानों से सुना जाता है, दर्शन में हमने बहुत बार सुना है कि जो शब्द है वो कान उसकी इंद्रियां हैं, कान से सुनते हैं। फिर दोबारा से जो प्रश्न करता है, जो शिष्य है वो पूछते इंगिष्टतम इंगितम चेष्टितम निमिषितम इति सह शब्द, यानी इंगितम इंगित करना, इंगितम चेष्टितम निमिषितम बोलते हैं, तरही तत् इंगितम चेष्टितम निमिषितम इति सशब्द, अर्थात इंगितम थोड़ा सा जान है, इंगितम है क्या, जो गाय है गाय के शरीर में थोड़ी बहुत भी शरीर हिलेगा डोलेगा चलना फिरना होगा तो वो तो चेष्टितम हो जाएगा, चेष्टा का हम जानते ही हैं शरीर का हिलना डुलना, लेकिन इंगितम इंगित का मतलब जिससे वो इंगित कराए,
इसमें शरीर का हिलना डुलना ना होकर के उसकी जो खाल है उसका कंपन होना या और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण इंगित होता है कि ये गाय है। चेष्टितम, जानते ही हम शरीर का हिलना डुलना। निमिषितम, पलक का झपकना, पलकें जब झपकी जाती हैं उसको निमिषितम बोला जाता है। तो ये क्या शब्द हैं? वैयाकरण कहते हैं ना, इतिहा नहीं, ऐसा कहते हैं क्रिया नाम सा, अर्थात ये क्रियाएं हैं। धातु, हमने शब्द प्रयोग किया है धातु, धातु मतलब क्रिया, अर्थात ये क्रियाएं हैं, ये शब्द नहीं है। प्रश्नकर्ता फिर दोबारा से प्रश्न करते हैं, तरही तत्, इस तरह से प्रश्न करते हैं, तरही तत् शुक्ल नील कृष्ण कपिल कपूत सहशब्दा। तो वैयाकरण कहते हैं ना, इतिहा, वैयाकरण कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, अर्थात ऐसा कहते हैं नहीं, ये शब्द नहीं है। गुण नाम सह, अर्थात गुण है ये, क्या है ये, गुण है। शुक्ल मतलब सफेद, नील मतलब नीला, इस तरह से शुक्ल नील, कृष्ण मंत काला, कपिल भूरा, कपूत मतलब चितकबरा, ये शब्द हैं। तो वैयाकरण कहते हैं ना, इतिया नहीं। फिर ये क्या है, गुणहा नाम सा, अर्थात वो गुण है, शब्द नहीं है। प्रश्नकर्ता फिर प्रश्न करते हैं और वो कहते हैं, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है आपको, याद रखना हमें क्या निकालना है, यहां शब्द क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। तो बहुत सारे शब्द बोले जा रहे हैं लेकिन वो सभी को करते आ रहे हैं ना, इतिहा नहीं, ऐसा कहते हैं। अगली बार फिर बोला गया है यह तरही, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, भिन्नेशु अभिन्नम छिन्नेशु अछिन्नम। भिन्न तरही तत् भिन्नेशु अभिन्नम छिन्नेशु अछिन्नम, सामान्य भूतम सहशब्दा, इस तरह से प्रश्नकर्ता ने कहा है। भिन्नेशु अभिन्नम छिन्नेशु अछिन्नम सामान्य भूतम सहशब्दा, वैयाकरण कहते हैं ना, इतिहा, वैयाकरण कहते नहीं, ऐसा कहते हैं। आकृति नाम सा, जाति, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि ये पंक्ति बहुत थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है समझना। ये पूरी पंक्ति जो है वो सामान्य पर आधारित है, यहां जो सामान्य शब्द लगाया गया है, यदि आपको थोड़ा भी ध्यान होगा तो सामान्य के बारे में हमने दर्शन में जाना था, तर्क संग्रह में भी जाना, तर्क संग्रह में हमने उसको सामान्य के विषय में थोड़ा सा अध्ययन किया था। तो वो जो गौ है अर्थात गाय है, गाय में कह रहे हैं कि भिन्नेशु, भिन्न भिन्न जो गाय है, भिन्न भिन्न जो गाय है उनमें अभिन्न, अलग अलग जो गाय है उनमें जो एक गौत्र रूप है, याद रखना है गायों में गौत्र है, क्या वो शब्द है? छिन्नेशु अछिन्नम, अर्थात छिन्न भिन्न होने पर भी वो अछिन्न है, ऐसा सामान्य या जाति, इसको जाति ही बोला जाता है, याद करना थोड़ा सा ध्यान करना तो समझ में आ जाएगा, क्या यह शब्द है? तब इसके बारे में बोले ना, इतिहा आकृति नाम सा, आकृति बोला गया है, अर्थात आकृति को जाति भी बोलते हैं, कि तो जाति है जो उसके अंतर्गत है। सामान्य के बारे में हमने जाना था, वो आप चाहें तो उसमें जाकर के थोड़ा सा देख लें, और सामान्य सीधे याद रखना जो अपने आप से किसी को अलग करती है वो सामान्य सीधा कहलाता है। तो यहां गौत्र जो रूप है वो सामान्य के अंतर्गत आ जाता है।
तो इन्होंने बोला है कि नहीं, यह आकृति है। तो प्रश्न करता, प्रश्न करते करते थोड़ा सा ऊब गए हैं, तो हो सकता है उनके मन में क्रोध भी आ गया हो। यहां बोला गया है तरही कहा शब्द, तो शब्द क्या है, तब यहां बोला गया है येन उच्चारितेन, येन उच्चारण तेन सासना लांगुल ककुद खुर विषाणी संप्रत्यह भवति सह शब्दा। पूरा ना लिख कर मैं थोड़ा सा ही लिख रहा हूं कि समय भी थोड़ा सा बच जाए। ये उच्चारितेन सासना लांगुल ककुद खुर विषाणी संप्रत्यय भवति सह शब्दा। अर्थात अब यहां पर थोड़ी सी बात आ गई समझ में, यहां पर याद रखना ये स्पोर्ट के लिए बोला गया है, ये का नंबर है। अभी इसमें एक चीज और आई, खा भी आएगा। तो येन उच्चारितेन, जिसके द्वारा उच्चारित हो, जिससे उच्चारण किया जाए, जो हमने उच्चारण किया था, जैसे क्या उच्चारण किया उसने उदाहरण दिया है, येन उच्चारितेन सासना लांगुल ककुद खुर विषाणी संप्रत्यय, वह ज्ञान, संप्रत्यय का मतलब ज्ञान भवती है, वह शब्द है। अर्थात जिसके उच्चारण से हमें सासना क्या है, लांगुन यानी पूछ क्या है, ककुद क्या है, खुर क्या है, सींग क्या है, ये सारे विषयों के ज्ञान हो जाए, जिसके उच्चारण से वह शब्द सहा भवती सह शब्द, वह शब्द है, याद रखना है, वह क्या है, वह शब्द है। अब यहां पर स्फोट भी शब्द प्रयोग किया गया है और शब्द भी लगाया गया है, वह स्फोट शब्द है। यही पंक्ति आपको संपूर्ण ज्ञान कराएगी कि शब्द क्या है, याद रखना। एक बार और दोहरा लेते हैं, येन उच्चारितेन सासना लांगुल ककुद खुर विषाणी संप्रत्यय भवति सह शब्दा। अर्थात जिसके उच्चारण से हमें गलकंबल का, पूंछ का, ऊपर निकली हुई जो कुब्बड़ होता है मांस का, मांसपिंड का, खुर का, सीमों का ज्ञान होता है, जिसके उच्चारण से वह शब्द है, ठीक है ना। तो स्फोट क्या हो गया है, स्फोट, वह स्फोट शब्द है, इतना याद रखना है। दूसरा इसमें प्रयोग किया गया है खा अथवा, इस तरह से प्रयोग किया गया है, अथवा प्रतीत पदार्थ का, लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा, प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्दिति चयते, ठीक है। इसमें ये इस तरह से बोला गया, प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इति उच्यते। अर्थात पदार्थ का, लोक में जो पदार्थ को, पदार्थ का जो ज्ञान होता है वो ध्वनि से होता है और उसी को शब्द कहा गया है। थोड़ा सा एक बार और ध्यान देंगे, ध्वनि को ही शब्द कहा जाता है। अर्थात पदार्थ का जो ज्ञान होता है लोक में वो ध्वनि से होता है, इसलिए ध्वनि को ही शब्द कहा गया है। इसमें उदाहरण के तौर पर सीधा यही बोला गया है, शब्दम कुरु मा शब्दम कार्षी शब्दकारी अयम मार्वकः इति। अर्थात शब्द करो, शब्द मत करो, यह जो ब्रह्मचारी है बहुत शब्द करने वाला है। इस तरह से जो उच्चारण किए गए हैं शब्द का, ध्वनि से ही उसका पता चलता है। अर्थात आवाज जब बोलता है कोई व्यक्ति तो ध्वनि निकलती है, तो उसी को ही शब्द यहां प्रतीत माना गया है। तो हमें याद रखना है दो चीजें समझ में आ गई होंगी, एक स्फोट समझ में आ गया पूरी तरह से कि ये उच्चार, जिसके उच्चारण मात्र से, जिसके स्फोट यानी शब्द से ही, स्फोट का द्वारा ही ज्ञान होता है किसी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का, वह शब्द है। और जिसके ध्वनि मात्र से ही, अब यहाँ ध्वनि और इसमें थोड़ा सा उलझाव रहता है, वहां उच्चारण से सीधे ज्ञान हो जाता है, यहां ध्वनि से भी शब्द का ज्ञान हो जाता है। अर्थात ध्वनि को ही यहां ज्ञान मान लिया गया है। तो उम्मीद है
पूरे जो भी बातें बताई गई उसमें मात्र ये दो ही चीजें हैं जो समझने योग्य हैं। यदि अभी आपको समझ नहीं आई हो तो कमेंट में बताना, तो इसको थोड़े से हिस्से को ही दोबारा से समझाने का मैं अवश्य प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना है।